स्वागत कर रहे हैं। आइए बाकी शब्दों के माध्यम से स्वागत करते हैं। कैसे वो सुधा यादव जी के स्वागत में हम हरियाणा में भी हमारे सभी 19,786 बूथों पर मनाई गई है। यहाँ गुड़गांव में एक भव्य कार्यक्रम ऊषा प्रियदर्शी जी ने किया है, मैं और सुधा यादव जी उसमें उपस्थित हुए हैं। और जो दीनदयाल उपाध्याय का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानव दर्शन, उसकी चर्चा लोगों के सम्मुख हुई है कि किस प्रकार उन्होंने एक दृष्टा के रूप में सारा विषय रखा और नरेंद्र मोदी जी सृष्टा के रूप में अब उसकी रचना कर रहे हैं। देखिए इस विषय पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अंत्योदय की जिस विचारधारा को श्रद्धेय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको जो विचार दिया, उसी विचार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर अंत्योदय की जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका विकास किस तरह से किया जाए, ये विचार श्रद्धेय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया था। और उसी विचार को लेकर आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उस कार्रवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अंत्योदय का जो विचार है वो पूरे देश के अंदर सभी गरीब लोगों का विकास होकर के पहली पंक्ति के अंदर दिखाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई लेकिन उषा जी विकास की बात करते हैं, लेकिन दो दिन की बारिश ने गुरुग्राम की सारी पोल को उखड़ दी है। जो हालात है गुरुग्राम में बने हैं, लोग जिसको तैर रहे थे वो तैर भी चुका है, गाड़ियाँ डूब चुकी है, प्रशासन का कोई बंदा सामने आया ना, कोई हमारे मेयर साहब सामने आए हैं ना ही विधायक सामने आए। नहीं जी ऐसा नहीं है, सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकार इस बात के लिए चिंतित है। कई दफा हो जाती है तेज बारिश के अंदर बड़े बड़े आपने देखा फ्लड भी आ जाते हैं, तो उन सबका भी अचानक से क्योंकि प्रकृति का जो प्रकोप है उसको एकदम से कोई आकलन नहीं किया जा सकता। और हम सब तक चिंतित है, मानसून का टाइम नहीं था, अचानक से बारिश आई है और सरकार ने इसको बहुत जल्दी, आज आपने देखा जैसे बारिश हुई है सब तरफ से पानी साफ किया हम लोगों ने, और ऐसी कोई बात नहीं है। मेयर साहिब भी आज हमारे बीच में भी आई है और वो भी चिंतित है इस बात के लिए, सभी लोग अचानक से बात आप कर रहे हैं मानसून नहीं चलेगा, अचानक से कमिश्नर साहब छुट्टी पर लग जाते 3 दिन के लिए। देखिए इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का समारोह है, इसमें मुझे लगता है कि ट्विटर हैंडल पर भी जिस तरीके से पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि कहीं ना कहीं हादसा ना हो, लेकिन बावजूद इस बार ट्विटर पर या प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें पहले से जानकारी नहीं दी जा रही है, क्या कुछ कहीं ऐसा डर तो नहीं है कि पोल पट्टी ने प्रशासन की खोल दी जाए? किस बात की पोल पट्टी? आप भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज के बीच के अंदर रहती है, कोई मुंह छुपाकर हम लोग काम नहीं करते और हमारी सरकार इस ओर चिंतित है और हम सब लोग देश सेवा के लिए लोगों के लिए समर्पित हैं, तो ऐसा कोई विचार इस तरह।